मैस्टरबेट के ऊपर मैंने पिछली अपनी कई वीडियो में बात करी है, जिसमें मैंने इसके फायदे भी बताए हैं और नुकसान भी बताए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मैस्टरबेट करना सही नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ गलत तरीके से मैस्टरबेट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो सही नहीं। अब गलत तरीका क्या, क्या गलत पोजीशन में मैस्टरबेट कर रहे हो, या फिर आप इन चीजों के इतने आदि हो चुके हो जब तक आप अपने उस्ताद को अपने हाथों से सहला ना ले आपको चैन ही नहीं पड़ता है, रह ही नहीं सकते आप, तो ये तरीका गलत है और इसी की वजह से आपको नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। क्योंकि कोई मेल चाहे करे या ना करे, नाइट फॉल तो उसको वैसे भी होगा, और जिन लोगों को नाइट फॉल ज्यादा होता है उससे बचने का एक ही तरीका होता है, और सेक्स कर लो। के पास कोई पार्टनर नहीं है, वो अपने सेल्फ प्लेजर के लिए कहाँ जाए, पेट सेक्स करके रोग लगवाए, संभावनाएं तो बनी रहती है ना, भले लगे या ना लगे एक डर तो रहता ही है, इससे बेटर तो यही हो मैस्टरबेट कर ले। सो करेक्ट मैस्टरबेशन इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इज ऑलवेज हेल्दी। सही तरीके से किया गया मैस्टरबेशन आपको कोई नुकसान नहीं देता, ये नुकसान आपको तभी देना शुरू करता है जब आप इसकी अति कर देते हो। अब ये जो मैस्टरबेशन है और जो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, जिसे आप शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, दोनों में गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जो भी आदमी अति कर रहा है मैस्टरबेशन करने में, वो इसकी चपेट में है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जब आप अति कर देते हो मैस्टरबेट करने में, दिन रात नहीं देखते और लगे हुए होते हो, तो आपकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या इफेक्ट करती है अंदर बॉडी में कि जो आप शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हो। डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। पीनस में जो इरेक्शन होता है वो दो तरह के स्टिमुलेशन से होता है, एक वो जब आपको कोई छूता है, टच करता है, आपके पार्टनर ने आपको छुआ, स्पर्श किया, आपके पीनस को सहलाया, मुंह से कुछ किया और आपके पीनस में इरेक्शन हो गया। दूसरा ब्रेन, आपको कोई टच नहीं कर रहा, आपको कोई सहला नहीं रहा, आपका पार्टनर आपके साथ है भी नहीं जो आपको स्पर्श करे, लेकिन आप इमेजिनेशन की दुनिया में हो, कुछ विजुलाइज कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया या कुछ सूंघ लिया, आपके ब्रेन को एकदम से सिग्नल मिला, अंदर डिजायर पैदा हुई और आपका पीनस इरेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है कि लोग विजुलाइज ज्यादा कर रहे हैं, पार्टनर अवेलेबल है या नहीं, गर्लफ्रेंड है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो चीजें अवेलेबल है ना, सोर्सेज अवेलेबल है जहां से वो खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो पहला वाला जो फंक्शन मैंने आपको बताया स्टिमुलेशन का, कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड या कोई पार्टनर आपको टच करेगा, स्पर्श करेगा, वो शारीरिक टच आपको महसूस होगा तो आपके पीनस में इरेक्शन होगा, स्टिमुलेशन आपके अंदर जगेगा, तो वो वाला फंक्शन तो खत्म हो गया ना। तो वो जो दूसरा वाला जो फंक्शन है ब्रेन स्टिमुलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के थ्रू होता है, वो वाला फंक्शन ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अब दिक्कत क्या है कि एक बार अगर इरेक्शन हो गया तो वो पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज होने के लिए आपके पीनस के हेड पर स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर जब तक सेंसेशन फील नहीं होगी, आपको उत्तेजना महसूस नहीं होगी, वो उत्तेजना चरम सीमा पर नहीं होगी, तब तक आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। जब आपके पीनस को स्टिमुलेशन मिलता है वजाइना का, योनि का, जो कि कुदरती वेट है, गीली है, गर्म है और मूवमेंट भी उसमें भरपूर होती है, तो आपका तो वहां से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपको मजा आ रहा है, आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है और आप सेटिस्फाइड होकर डिस्चार्ज होते हैं, जो कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से दो लोगों के बीच में एंजॉयमेंट लेते हुए किया जाने वाला सेक्स। दो लोग जो कि वजाइनल पेनिट्रेशन नहीं करते हैं लेकिन मास्टरबेशन के पीछे हाथ धो के लगे हुए, ना दिन देखते ना रात देखते, बस अति कर रखी है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो जाता है, वो होल्डिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा पाते टाइम से। और एक और तरह की प्रॉब्लम उनके साथ डेवलप हो जाती है, दैट इज सेंसिटिविटी। नॉर्मली जो पीनस है उसकी नर्व्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक अल्फा और एक डेल्टा, और जो मोटे तौर पे जो फाइबर होते हैं वो ग्रोइंग एज में डेवलप हो रहे होते हैं, अगर इन फाइबर को डेवलप ना होने दिया जाए, जैसे कि छोटी उम्र के लड़के करते हैं कि कम उम्र में हिलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में ऐसे लड़कों के साथ जो अति कर देते हैं उनके साथ ये हाइपर सेंसिटिविटी वाला इश्यू डेवलप हो जाता है, मतलब पीनस को टच किया और वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि कुदरती जो वजाइना की गर्माहट है, जो उसकी सेंसिटिविटी है, वो तो उसके लिए डेवलप ही नहीं हो पाई ना, उसको तो वही ड्राई हैंड, कोल्ड हैंड की, रफ हैंड की आदत पड़ी हुई है, वजाइना के अंदर घुसकर वो मूव करने की उसको हैबिट डेवलप हुई नहीं है।
अब एक और चीज समझिए, हाथ से पकड़कर जब आप हिलाना शुरू करते हो और उसमें जो प्रेशर लगता है वो वजाइना में मिलने वाले प्रेशर से कहीं अधिक होता है, जिसकी वजह से वजाइना का जो लचीलापन है, जो सेंसिटिविटी है, जो गर्माहट है, उससे वो डिस्चार्ज ही नहीं हो पाता है। उसे तो वही हार्ड प्रेशर की आदत है जो उसे मुट्ठी से मिलती है। तो एक गलत तरीके से किया जाने वाला मास्टरबेशन कि कर रहे हो तो अति कर दी है, या पोजिशन आपकी ठीक नहीं है, बिस्तर पे औंधे मुंह लेके और पिल्लो के साथ रगड़ रहे हो, तो ये सारी चीजें गलत हैं और ये आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देती। और इन्हीं गलत तरीकों की वजह से आप प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का भी शिकार होते हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी शिकार होते हो, और हाइपर सेंसिटिविटी के टच किया और डिस्चार्ज हो गया, इस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए आपको बिल्कुल इसके रिवर्स जाना होगा। आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, आपके ब्रेन फंक्शन को आपको इम्प्रूव करना होगा, और साथ ही साथ वजाइना की आदत डालनी होगी। और ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, बात बात से बाहर हो चुकी है। आपको कीगल एक्सरसाइज भी करनी होगी, आपको अपने ब्रेन फंक्शन को मजबूत करना होगा, अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें डेवलप करनी होंगी। और इन सब चीजों का बेहतर ढंग से कैसे कर पाए, इसके लिए आपको चाहिए आप एक बेहतर सेक्सोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, कंसल्टेंसी लीजिए, वो आपको और अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगा फिजिकल एग्जामिन करके। तो देर मत कीजिए। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज है मेरे चैनल पे मेंस हेल्थ से रिलेटेड, आप जाके वो भी देख सकते हैं।